अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ। तो इसके मुतालिक हमने कुछ वीडियोस बना चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब यह है लिमिट्स ऑफ कि लिमिट्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों है, इसको किसने इन्वेंट किया है, ये सारा चीज़ जो है मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, एंड तक देखिएगा। अब इसका रिलेशन जो है वो फंक्शन के साथ है, यानी इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि फंक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेता हूँ फंक्शन, और फिर इसी का रिलेशन बताऊंगा कि इसका क्या रिलेशन है। तो फंक्शन का यह तरीकाकार है कि फंक्शन के लिए दो सेट्स होने चाहिए, एक का नाम एक्स है, दूसरे का वाई, और इसमें फिर एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, ए बी एंड सी। ठीक है, अब वो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज बी, 3 का एम एच सी, ये वाले होते हैं डोमेन, ये होते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, और जो इमेजेस हैं उस उन इमेजेस को रेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन में सिर्फ दो बातें हैं, एक बात ये सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, फर्स्ट बात ये हो गई। दूसरी बात कि एक एलिमेंट से, यानी सेट एक्स के एक एलिमेंट से दो लाइन ना निकली हो, जब ये दो प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो या फॉलो कर रहा हो, तो इसका मतलब फिर क्या है कि ये फंक्शन है। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल फंक्शन का कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब देख लेते हैं कि लिमिट्स का यहाँ पर क्या ताल्लुक है। अब फंक्शन में ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब इस फंक्शन को ये जो होता है ये डोमेन होता है, और इस डोमेन को आप दे दें, ये डोमेन मतलब एक्स है, ये डोमेन है, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू जो वैल्यू आपने दी है, तो इसके बदले आपको कुछ मिलने वाला है। डोमेन हम कोई भी चीज़ दे सकते हैं कि हमें आंसर मिले, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फंक्शन जब हम डोमेन देते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। अब इस फंक्शन पे कौन सा डोमेन है जिस पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर फंक्शन अनडिफाइंड होता है ये भी कह सकते हैं। तो ये एफ ऑफ 2 पे ये फंक्शन के 2 दे दें तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई ये 0 फॉर्म बनाता है। अब ये इसी डोमेन पे फंक्शन क्या देता है, 0/0 फॉर्म देता है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है। अब क्या करना चाहिए, क्या करें, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट भी हमें देगा। अब रिज़ल्ट अगर हमें देगा तो कैसे देगा। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट आ गया, ग्रीक साइंटिस्ट है, और ये ताल्लुक रखता है फायरेटिव से, ये आइसलैंड का कुछ एरिया है। आर्किमिडीज, ये क्या कह रहा है कि इसी वक्त तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हमें कुछ ज़रूर देगा। अब हर पॉइंट पे देता है, जस्ट सिर्फ 2 पे नहीं देता। ठीक है, अब 2 पे अगर नहीं देता तो फिर क्या करें। फंक्शन के ऐसी सिचुएशन के लिए आर्किमिडीज को लिमिट्स का ख्याल आ गया। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मनफी 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो सिर्फ ये क्वेश्चन जो है या एक फंक्शन जो है ये इसी पर जो है अनडिफाइंड है, बाकी जो डोमेन आप देना चाहें आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब आर्किमिडीज कह रहा है कि इसी 2 के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला, ये तो डोमेन है आपके पास,
अब बात लिमिट की तरफ आ रही है। लिमिट क्या कह रहा है, आर्किमिडीज क्या कह रहा है कि ये टू जो है, टू टू के नजदीक आप ले रहे हैं, टू के नजदीक कोई पॉइंट ले ले, इस साइड से भी ले लें, यानी टू से जरा ग्रेटर ले लें या टू से जरा लेस ले लें, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा। अगर टू के नजदीक ले रहे हैं 1.99 या 9 और 100 जो आप लेना चाहें, तो ये बिल्कुल टू के करीब है। अब इसी के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगर यहाँ पर ले लें 2.001, ये थोड़ा सा ग्रेटर है टू से, तो इसी पॉइंट पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है, इसी पे भी मिलने वाला है, सिर्फ टू पे नहीं मिलने वाला। तो ये फंक्शन का अब फिर सारा कुछ बदल जाता है। ये फंक्शन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये फंक्शन ज़रा चेंज हो जाता है, इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है क्या देख लें, लिमिट एफ ऑफ एक्स ऑफ, क्योंकि फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, तो कैसे हो रहा है कि एक्स ऑफ ये टेंड्स वाली बात, कि टेंड्स टू ए, यानी ए कोई पॉइंट है। अब अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया, एक्स टेंड टू ए ढूंढ लिया, तो इसके बदले ये वाला फंक्शन आपको कुछ ना कुछ देगा, और जो कुछ देगा उसी को क्या कहेंगे हम, लिमिट कहेंगे। लिमिट तो हर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तो ये फिर क्यों ज़रूरी है? कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो अनडिफाइंड नहीं होते। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन ये भी हैं, अगर कोई कहें कि ये फंक्शन तो है, अब क्या ज़रूरत है कि हम इस पे लिमिट अप्लाई करें? इस पे हम वही डोमेन वाली बात, ठीक है जो डोमेन हम दे दें इसके बदले तो हमें कुछ मिलने वाला है, ये भी बात ठीक है। अब डोमेन दे दे कुछ मिलेगा, आप लिमिट दे दें, इस तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, तो इसके बाद फिर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब एक्स टू के अप्रोच कर रहा है, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, या फिर वही डोमेन वाली बात ठीक है, यानी फंक्शन को आप डोमेन दे दे टू, तो फिर भी आपको फिर 4 मिलने वाला है। ये कुछ इन डिटरमिनेट फॉर्म में लिख लेता हूँ, जिस पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 0/0, नंबर 2 0/0, 3 है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और 4 है इन्फिनिटी/0, एंड 5 है 0×∞, 6 है ∞-∞, और 7 है 1/∞। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपके पास ये वाला फॉर्म बना दें या फिर 0/0 वाला फॉर्म बना दें, इसमें से जो भी फॉर्म आपके पास आ जाएगा तो आपका फंक्शन आगे डिफाइंड नहीं होगा, इनडिटरमिनेट हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसका आपके पास कोई आंसर ही नहीं आएगा। जब ये वाले फॉर्म आएंगे आपके पास, तो आपने तब जो है लिमिट अप्लाई करना है। अब अगर पूछ लें फिर ये इन्फिनिटी क्या होता है, तो ये आपने याद रखना है। मैं आपको इसकी मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी करता हूँ कि फिर इन्फिनिटी क्या चीज़ होती है। इसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं और अनडिफाइंड भी बोलते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज कंसीडर्ड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बाय द रूल
ऑफ मैथमेटिक्स। इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट किया जाता है, और ये इसकी डिफिनेशन है, कोई भी चीज़ जब वो जीरो पे डिवाइड हो रहा है तो उसको हम अनडिफाइंड कहेंगे। मिसाल के तौर पर 1/0, अब 1/0 डिफाइंड नहीं हो सकता तो इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे। अब ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब है ये क्या चीज़, ये कोई नंबर है या नंबर नहीं है, इसके मुतालिक मैं बताता हूँ। अब ये इन्फिनिटी है, अब अगर इंटरव्यू में पूछ ले कि ये नंबर है कि नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर है कि नहीं, इस तरह 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये नंबर दें, इसी तरह इन्फिनिटी इज अ नंबर बट नॉट स्पेसिफिक। ये बात ध्यान में रखनी है कि इन्फिनिटी भी एक नंबर है बट नॉट स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी। थैंक यू।